सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूँ सुनील राउत। संसद में जो कुछ भी आज हुआ वो पूरे देश ने देखा और इस पूरी साजिश में 6 लोगों के नाम अभी सामने आ रहे हैं और इस साजिश का सूत्रधार कौन है इसकी जांच में अब देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां जुट गई है, जिसमें आईबी जैसी एजेंसी भी शामिल है। और इस साजिश के सूत्रधार के साथ उस मोटिव को भी वो तलाशने की कोशिश में जुटे हुए कि किस वजह से इन्होंने ये सब किया। संसद में पहले पहुंचे 2 लोग, संसद के बाहर थे 2 लोग, संसद के अंदर थे। टाइमिंग पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो सबसे पहले संसद के बाहर हंगामा होता है, उसी तरह का स्मोक क्रैकर एक फोड़ा जाता है और उसके थोड़े ही देर बाद संसद के अंदर भी 2 युवक दर्शक दीर्घा से सांसदों की चेयर के ऊपर कूद पड़ते हैं। वहां वो वेल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जब उन्हें रोका जाता है तो जूते से वो स्मोक क्रैकर निकाला जाता है और वहां पर भी पीले तरह का एक संसद भवन में धुआं फैलाया जाता है। हालांकि वहां पर पकड़ के उनकी उसके बाद सांसद धुनाई करते हैं और उसके बाद वो उनको पुलिस के हवाले और जांच एजेंसियों के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच अब जांच एजेंसियां जब इन सूत्रधारों को खंगालने में जुटी है कि कौन इसके पीछे है और मोटिव क्या है, उसके बीच इनकी पहचान भी सार्वजनिक हो गई है। जो 4 लोग हैं उनमें से एक हरियाणा की लड़की बताई जा रही है, दूसरा महाराष्ट्र का लड़का बताया जा रहा है, तीसरा सागर लखनऊ से बताया जा रहा है और चौथे की पहचान मनोरंजन के तौर पर हुई है। ये साउथ दक्षिण भारत के किसी राज्य से बताया जा रहा है। अब इनके घर पर मीडिया का पहुंचना शुरू हो गया है, इनके माता पिताओं की भी बाइट्स आने लगी है और वो बयान देने लगे हैं। और इस बीच मनोरंजन के पिता देवराज का बयान आया है, वो सुनने लायक है कि मेरे बेटे ने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है जो मुझे पता चल रही है, तो इसके लिए तो उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जी हाँ, एक बेटे का पिता कह रहा है कि मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ा दो क्योंकि उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। मतलब पिता भी वो ये जान रहे हैं कि ये जो किया गया है संसद के बाहर ये कोई अच्छा काम नहीं है। हालांकि इसको एक नैरेटिव के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये युवाओं का आक्रोश है, जो बेरोजगार युवा है और सरकार के खिलाफ उनका ये आक्रोश, जो पनप रहा आक्रोश, इस तरह से बाहर निकला है। ये सब नैरेटिव गढ़ने के लिए इसको करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो लड़की नीलम जिसे पकड़ा गया है, जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, वो संसद के बाहर कुछ इसी तरह के नारे लगा रही थी, तानाशाही नहीं चलेगी, हम बेरोजगार है, परेशान है। और नीलम की माँ का भी बयान आया है, उसने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले ये आपको पहले भी हम वीडियोज में बता चुके हैं कि नीलम जो है वो किसान आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय रही है और एक अच्छी खासी भूमिका उसने निभाई है। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। और किसान आंदोलन के तार कहां कहां से जुड़े हुए थे ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा और धीरे धीरे उसके तार एक जांच एजेंसियों ने भी जांच की तो पता चला कि उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी, बिरयानी कहाँ से आ रही थी, ड्राई फ्रूट्स कहाँ से आ रहे थे। तो वो तो एक अलग विषय है, वो खत्म हो गया आंदोलन। लेकिन उसी आंदोलन में जो लोग शामिल थे वो भी इस साजिश के पीछे जो चेहरे हैं उसमें उनके तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। मनोरंजन के पिता देवराज ने क्या कहा कि अगर मेरे बेटे ने कुछ अच्छा किया होता तो बेशक मैं उसका समर्थन करता, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया है तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अगर उसने समाज के लिए कुछ गलत किया है तो उसे फांसी दी जाए। ये गलत का काम है, ये करेंगे तो ये सच्चा काम करना, वो काम बिल्कुल खंडनीय। ये बयान है और उससे जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है और उस पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, देशद्रोह का मुकदमा भी उस पर लग सकता है, क्योंकि जो दिन चुना गया इस कृत्य के लिए वो मोटिव के पीछे की इनके जो मंशा है उस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। हरियाणा के जिनसे नीलम की मां का भी बयान आया है, नीलम की मां ने कहा है कि वो बेरोजगारी की वजह से परेशान थी, मैंने उससे बात की थी लेकिन उसने दिल्ली के बारे में कुछ नहीं बताया, वो मुझसे कहती रहती थी कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी है
और कोई नौकरी नहीं है, ऐसे में बेहतर है कि मर ही जाए। तो ये नीलम की माँ का बयान है कि वो बेरोजगारी की वजह से परेशान थी, घर पे बात करते रहती थी और कहा था कि मैं इससे बेहतर है कि मर ही जाऊँ। तो ये बात है, लेकिन उन्होंने संसद के बाहर जाकर जो कृत्य किया और उसके बाद जो नारेबाजी की, अब उनके लिए मुश्किल तो होने ही वाला है। इधर जो सागर है, जो लखनऊ से है, उसकी माँ का भी एक बयान चल रहा है मीडिया में। और सागर की माँ ने कहा है कि उसने मुझे घर से कह के तो गया था कि किसी प्रदर्शन के लिए वो जा रहा है, लेकिन ये करने जा रहा है ये नहीं बताया था। और अभी एक और जानकारी आ रही है कि विक्की शर्मा नाम के किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया है पुलिस ने, और विक्की शर्मा की पत्नी को भी हिरासत में लिया है इसी मामले में। और ये अभी हिरासत में लिया है, गिरफ्तार नहीं किया है। अब इनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी जब जैसे जैसे इन लोगों से पूछताछ होगी वैसे वैसे नए नए प्यादे और नए नए शतरंज के जो खिलाड़ी है वो इसमें सामने आएंगे और उनको पकड़ा जाएगा। तो विक्की शर्मा और उनकी पत्नी, ये दो नाम आ रहे हैं और इनको अब हिरासत में पुलिस ने लिया है, पूछताछ पुलिस करेगी। और ये दोनों जो है हिसार के बताए जा रहे हैं, जिनको गिरफ्तार पुलिस ने हिरासत में लिया है, हिसार के विक्की शर्मा के दोस्त है ये सारे आरोपी, ये बताया जा रहा है, इसलिए उनको विक्की शर्मा को हिरासत में लिया गया, ये जानकारी आ रही है। तो ये अब जो है वो जो आरोपी है इस घटना के, उनके परिवारजनों के बयान हैं और वो भी कह रहे हैं कि कुछ सही तो किया नहीं है, अच्छा काम किया होता तो बात भी अलग थी, और ये अच्छा काम नहीं किया है तो उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। आपकी क्या राय है, ये जो युवाओं ने वहाँ पर किया है, जो प्रदर्शन का तरीका है, इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और क्या इसके पीछे कोई साजिश है और किस लिए ये किया गया होगा, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।